जैसे कि गोपियों के विषय एक प्रश्न पूछा था तो उसके विषय हमने विस्तार से चर्चा की कि वास्तव में श्री कृष्ण ही अल्टीमेटली मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे तो श्री कृष्ण ही अल्टीमेटली सबके मालिक सबके स्वामी और जगतपति है। लोग भगवान के विषय न जानते हुए नाना प्रकार की धारणाएं बना लेते हैं, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, भगवान ऐसा है। भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, लेकिन कभी उनके मन में यह प्रश्न नहीं आया कि भगवान कैसा है। ऐसा है तो वो मान लेते हैं और वैसा है, लेकिन कैसा है, तीन चीज क्या, ऐसा वैसा और कैसा। तो ऐसे समझते भगवान ऐसा है, कुछ कहते भगवान वैसा है, लेकिन भगवान कैसा है ये खोज में कोई नहीं निकला है। जब हम सोचते हैं कि भगवान कैसा है तब हम खोज पे निकलते हैं, उसको जिज्ञासा बोलते हैं। और जिज्ञासा की तृप्ति रूपी ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परम ईश्वर का नाम श्री कृष्ण है या श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। इसलिए अगर कोई कृष्ण को पति समझता है तो यथारूप समझता है, क्योंकि कृष्ण ये ही सबके पति अर्थात सबके मालिक। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर पूर्णेश्वर पार ब्रह्म परम पुरुष श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण की वास्तविकता को समझते हुए हमें अपने जीवन को कृष्ण समर्पित करके जीवन का लाभ लेना चाहिए। इसलिए यदि गोपियों के घर पे पति थे तो उस विषय मैंने विस्तार से कह दिया कि वो शरीर के हो सकते लेकिन आत्मा के नहीं। कोई भी हमारा संबंधी जो होता है, हम कहते हैं इससे कौन सा रिश्ता है, तो कहते इससे तो हमारा खून का रिश्ता है।
और कभी कभी पिताजी कहते हैं बच्चों को, तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। लेकिन कभी कभी ये बात गलत भी हो जाती है, क्योंकि मैं देखता हूं पिता का ब्लड ग्रुप कुछ और है और बच्चों का ब्लड ग्रुप कुछ और है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ सब कुछ, कैसे पॉसिबल हुआ सब कुछ? अगर पिता का ही बच्चों में खून है तो फिर बेटे का ग्रुप कुछ और है और पिता का ग्रुप कुछ और है। इसका मतलब है पिता चाहे भी तो बेटे को खून नहीं दे सकता और बेटा चाहे तो पिता को खून नहीं दे सकता। ए बी पॉजिटिव, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है? ये सब भ्रांतियां हैं। हम सब कृष्ण के थे, कृष्ण के हैं और कृष्ण के ही रहेंगे। कृष्ण के थे, कृष्ण के हैं और कृष्ण के ही रहेंगे। इसलिए कृष्ण कहते हे अर्जुन, ये राजा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, मैं और तू थे, हैं और आगे भी, ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं होंगे। इसलिए अगर इस संसार में कोई हमारा रिश्तेदार है तो देखिए, कुछ हमारे खून के रिश्ते होते, किसी से हमारा खून का रिश्ता होता है, किसी से हमारा है दिल का रिश्ता होता है, किसी से हमारा जाति का रिश्ता होता है, किसी से हमारा भाषा का रिश्ता होता है, किसी से हमारा रिश्ता शहर का होता है कि हम सब है एक ही शहर के। और आपने देखा होगा कई लोग अपना सरनेम शहर का लगाते हैं, पता है आपको, जैसे लाहौरी, गोरखपुरी, जालंधरी, उल्हासनगरी, ऐसे लगाते हैं। तो किसी से हमारा रिश्ता शहर का है, किसी से हमारा रिश्ता प्रांत का है कि हम सब कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, किसी से हमारा रिश्ता देश का होता है, लेकिन ये सब के सब रिश्ते शरीर तक हैं और शरीर की समाप्ति के बाद ये सारे रिश्ते समाप्त होते। समझना ये सारी बातें, ये सारे रिश्ते जो हैं ये कौन से हैं जी? शरीर के रिश्ते हैं और शरीर के रिश्ते शरीर पर समाप्त हो जाते हैं और फिर नई जरूरतों के अनुसार फिर से नए रिश्ते बन जाते हैं। जैसे एक पुरुष की एक पत्नी मर गई तो अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे जरूरत है तो फिर वो दूसरी शादी करेगा, तो अब वो पत्नी गई और ये पत्नी आ गई, एक नया रिश्ता बन गया। ऐसे ही किसी स्त्री को ऐसे लगता है कि मुझे दूसरी शादी करनी है तो फिर एक नया पति आ गया और एक नया रिश्ता बन गया, फिर उसके कुछ बच्चे होंगे, फिर वो नए रिश्ते बन गए। लेकिन ये रिश्ते कब तक है? जब तक शरीर है। मैं कभी कभी समझाता हूं, फिर भी समझा रहा हूं व्हाट्सएप वालों के लिए, पर्टिकुलर जो लोग सुनते हैं घर पे, समझाना ये चाहता हूं कि कृष्ण कौन है। और गोपियों ने जो सोचा, जो समझा और जो फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला है। क्यों? अभी समझोगे।
ये जितने रिश्ते और नाते हैं हमारे, ये सब लिमिटेड समय के हैं। इन सबों की एक समय सीमा है। कैसे? जो आज वर्तमान में आपका पति है, वो कब से आपका पति है? जब से उससे आपकी शादी हुई। जब से आपकी उससे शादी हुई, मान लीजिए आपकी शादी 30 साल पहले हुई है, तो आपका पति कब से है? जी 30 साल से वो आपका पति है। उससे पहले उसको जानते तक भी नहीं थे। आपके माता पिता के पास एक रिश्ता आया, या आपने पसंद किया, आपने देखा, एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार अनुकूल लगे, हमने सगाई पक्की की और तब से रिश्ता बन गया। उससे पहले हो सकता था वो व्यक्ति आपके सामने भी रहता होगा तो आपके लिए कोई माना नहीं रखता था। वो एक साधारण सा इंसान था, लेकिन अब क्योंकि उससे आपका रिश्ता पक्का हो गया, इसलिए क्या कहती हूँ, ये मेरा कौन है? पति है। अगर रिश्ता मान लो 93 में हुआ, तो 93 से आपका पति है। रिश्ता आपका 84 में हुआ, तो 84 से आपका पति है। रिश्ता आपका 2004 में हुआ, तो वो आपका 2004 से पति है। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था। अब मान लो 10 साल हुए आपकी शादी को, तो 10 साल से आपका पति है। अब और कितने साल रहेगा, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। क्योंकि आज आप उसके अनुकूल हो और आज वो आपके अनुकूल है, इसलिए पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी। लेकिन हो सकता है आने वाले कल में ना वो आपके अनुकूल हो और ना आप उसके अनुकूल हो, तब तलाक। डिवोर्स। और अकेले तुम, अकेले हम। अब किसी से पूछो, ये आदमी कौन है, क्या लगता है तुम्हारा, तो क्या बोलोगे? मेरा क्या लगेगा? या उसके साथ शब्द लगेगा एक्स हस्बैंड, एक्स वाई, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, तो समझने की बात यह है कि वो जब से शादी हुई तब तक आपका पति, और जब तक पति रहेगा, जब तक या तो मर नहीं जाते हो या तलाक नहीं हो जाती है, उसके बाद कौन किसका, कोई किसी का लेना देना नहीं है। और याद रखना, ये सारे रिश्ते जिंदगी के हैं। मैं बहुत पहले यहां बैठा हुआ था साइट पे, तो एक माता मेरे पास आई, एक स्त्री, एक महिला आई मेरे पास और कहने लगी, बापू मेरे पति को मरे 1 महीना हुआ है, लेकिन वो मुझे घर में शाम को दिखता है, और क्योंकि शाम के समय अंधेरा होने वाला होता है, सर्दी के दिन थे, सन्नाटा हो जाता है और घर पे कोई नहीं होता है, सब काम पे गए होते हैं और मैं अकेली होती हूँ, या फिर रात को कभी बाथरूम जाती हूँ तो मुझे बाथरूम के पास दिखता है, और बाथरूम के पास दिखकर मुझे ऐसे कहता है जैसे वो मुझे कहीं बुला रहा, और मैं बहुत डरती हूँ, मुझे डर लगता है। कहाँ से?
बोला अकेले रहने से। मैं कभी सोचता, एक सवाल मेरे मन में हुआ कि यही स्त्री होगी जब अपने पति को कहती होगी, भाई ये भीड़ भाड़ लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे आपके साथ बोलो अकेले रहना है। और आज वो अकेले में दिखता है तो डरती हूं, व्हाट इज नॉनसेंस। अब क्यों डर लगता है? ऐसे ही एक घर में मैं बहुत सालों पहले गया था, तो उन्होंने अपने बेडरूम में अपनी वाइफ की हनीमून की बड़ी सारी फोटो लगाई थी, शायद शिमला नैनीताल या कुल्लू मनाली कहीं का तो था फोटो, और ऐसे खड़ी थी मुस्कुरा रही थी। बाद में वो लेडी किसी तरह से एक्सीडेंटली मर गई। मैं दो चार पांच छह महीनों के बाद फिर किसी काम से उनके पास गए, तो मैंने कहा यह फोटो था हटा दिया, तो उस लड़की ने कहा बापू मैं जैसे ही सोता हूं ना तो सीधी नजर वहीं पड़ती है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि उस फोटो में कुछ मोमेंट होती है। जब भी रात को कभी मेरी आंख खुलती है तो ऐसे लगता है जैसे या तो वो हंस रही है या ऐसे आंखें हिला रही है, तो मुझे बहुत डर सा लगता है, इसलिए मैंने फोटो जी हटा दिया। ओ मेरे दिल के चैन, अब बेचैन कैसे हो गए? जब से तुमको देखा जीते हैं, इसको तुम बतलाओ, इसको क्या कहते हैं? दादा, जब से तुमको देखा जीते हैं मरते हैं, तुम ही कुछ बतलाओ, इसको भूत। क्योंकि जीते हैं तब तक तो ठीक है मामला, लेकिन मरने के बाद दिख जाए तो मामला गड़बड़ है कुछ। कई लोगों ने मरने के बाद अपने लाइफ पार्टनर की फोटोज अपने बेडरूम से निकाल दिए, और वैसे भी मैंने देखा है कि किसी का लाइफ पार्टनर मर जाता है तो कुछ दिन तो उसको अपने बेडरूम में अकेला सोना डर लगता है, किसी ना किसी को लेके सोते हैं। ये सब जीते जी के रिश्ते हैं। इसलिए कौन कब तक किसका रिश्तेदार है इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है, और किसका कब तक किससे रिश्ता है इसकी गारंटी भी किसी के पास नहीं है। तुम्हें बता रहा था कि कुछ खून के रिश्ते हैं, कुछ दिल के रिश्ते हैं, कुछ जबान के रिश्ते हैं, कुछ जाति के रिश्ते हैं, कुछ शहर के रिश्ते हैं, कुछ प्रांत के रिश्ते हैं, कुछ देश के रिश्ते हैं, लेकिन एक रिश्ता है जो जीव और कृष्ण का है। ये सब के सब रिश्ते समाप्त हैं और ये रिश्ता सनातन है। इसलिए कृष्ण कृष्ण हमारा सनातन सारथी है। हे अर्जुन, मैं और तुम थे, हैं और रहेंगे। इसलिए जिसने कृष्ण के साथ अपने इस रिश्ते को जान लिया, और गोपियों ने इसी रिश्ते को जाना, तभी तो कहा उनकी रियलाइजेशन थी, उनका साक्षात्कार था, क्या कि ये मट्टी की मूर्तें हैं, और मट्टी की मूर्त कब तक कोई पूजता है जब तक वास्तविक में न हो। उस जमाने की ये परंपरा थी, ये परंपरा थी। उस जमाने में फोटो नहीं थे, उस जमाने में फोटो नहीं थे, इसलिए ऐसे ऐसा प्रतीक बनाकर स्त्रियां अपने पति को मानती थी।
परंतु जब गोपियों ने सोचा परफेक्ट और पूर्ण था, क्योंकि कृष्ण ही हमारा वास्तविक स्वामी मालिक पति अर्थात प्रोप्राइटर है और हम सब उसी के हैं, उसी के थे और उसी के रहेंगे। याद रखना, जब हम भाड़े की चीज कोई भी लेते हैं तब वस्तु हमारे पास होती है, वस्तु हमारे पास होती है लेकिन उसके मालिक को हम कभी नहीं भूलते। मालिक को भूलते हैं? नहीं भूलते। बचपन में हम छोटे छोटे थे तो उस जमाने में ऐसे सब लोगों को बहुत गरीबी सी होती थी, तो बच्चों को शायद आपको भी वो ज़माना याद आए, हमारे स्कूल के बाहर वहाँ पर थोड़ा दूर किराए पे साइकिलें मिलती थी, कभी अगर आपने कभी देखी हो तो, बचपन की याद बता रहा हूँ। और उस ज़माने में 10 पैसे में आधा घंटा साइकिल का मिलता था, तो खैर मुझे तो चलाना आती नहीं थी तो मैं पीछे बैठ जाता था, तो वो 10 पैसे की साइकिल लेते और उन छोटे छोटे बच्चों को भी याद होता था कि समय पूरा होने के बाद वापस लौटानी है, घूमो फिरो एंजॉय करो खेलो, लेकिन ध्यान किस पे होता था? तो अपने पास तो घड़ी होती नहीं थी, किसी से पूछते अंकल टाइम कितना हुआ है, टाइम पे ध्यान होता था, घूमते फिरते कहीं भी, लेकिन ये पता था कि समय पूरे होगा तो वापस लौटानी पड़ेगी। ऐसे याद रखो, आपको भगवान ने ये सब कुछ दिया है, पति दिया है, पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, यहां तक कि आपका शरीर दिया है, लेकिन मालिक को मत भूलना, क्योंकि समय पूरा हुआ तो वापस लौटाना है। समय पूरा होने पर यहां तक कि शरीर भी आपको वापस करना पड़ेगा। इसलिए आपको समझना है, जैसे वो हम बचपन में साइकिल तो भाड़े पे लेते थे लेकिन उसके मालिक को नहीं भूलते थे, ना मालिक को भूलते थे और ना ये बात भूलते थे कि हैं वापस लौटानी है। ऐसे ये मत भूलना कि पत्नी है तो आपकी हो गई, पति है तो आपका हो गया, बच्चे हैं तो आपके हो गए, पोते पोती हैं तो आपके हो गए, या आपका ये शरीर आपको जो मिला है वो आपका हो गया, ये मत भूलना। इस्य वास्य सर्वइदम, इन सबों का मालिक तो कृष्ण है और आपको लौटाना है। अब जरूरी नहीं होता है, होता था, मैं फिर अपने ये बचपन की बातें हैं आपको शेयर करता हूं, जरूरी नहीं होता था कि हर एक बच्चे को आधा घंटा ही साइकिल मिलती। कोई बच्चा 5 पैसे देकर 15 मिनट भी लेता और कोई बच्चा 20 पैसे देकर 1 घंटा भी देता। तो हर एक को साइकिल अलग अलग समय के लिए मिलती थी, लेकिन सब में साझा बात यह थी, कॉमन बात यह थी कि वापिस, ऐसे किसी को शरीर 10 साल के लिए मिला है, किसी को शरीर 20 साल के लिए मिला, किसी को शरीर 50 साल के लिए मिला, किसी को 70 साल के लिए मिला, किसी को पत्नी 20 साल के लिए मिली, किसी को बच्चे 30 साल के लिए मिले, किसी को पति 40 साल के मिले, लेकिन मालिक को वापिस लौटाना। वापिस लौटानी, मालिक को मत भूलना। मालिक कौन है? कृष्ण। लौटाना है
याद रखना, न केवल लौटाना है बल्कि लौटना भी है। लौटाना ही नहीं है बल्कि जी लौटना भी है। अरे बहनों माताओं मित्रों, ये जो पक्षी आते हैं ना, पक्षी वो भी अपने देश को नहीं भूलते हैं, इसलिए लौट जाते हैं। आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज हैं, आप समझते हैं ना, बहुत फेमस बर्ड सेंचुरीज हैं जहां से विदेशों से पक्षी आते हैं, लेकिन समय पे अपने देश वापस पहुंच जाते हैं। जब ये पक्षी अपने वापसी को नहीं भूलता है, हम कैसे भूल जाते हैं? हम तो समझते हैं हमको यहां से जाना ही नहीं है, इसीलिए तो इतनी हाथ पांव मारते। वो मैं एक जगह पढ़ा कि भाई जब आप पैदा हुए तो आपकी नेपी में कोई जेब नहीं थी, आजकल तो डायपर आ गए। जब आप पैदा हुए तो आपकी डायपर में, आपकी नेपी में, नेपकिन में कोई जेब, जब मरोगे तो कफन में भी कोई जेब, तो ये जेब किसके लिए भर रहे हो? और फिर अलमारी में भर भर के जो रखे हैं, अंत में यम को रिश्वत भी नहीं चलेगी कि छूट जाओगे। माल खाए मदारी, लट खाए बोलड़ो। हम सब बोलड़े हैं, लट खा रहे हैं, और पीछे मदारी बैठे हैं जो मौज उड़ाएंगे। बाप ने जिंदगी भर नल का पानी पिया, अब बेटे बिस्लरियां पी रहे हैं। लट खाए बोलड़ो, माल खाए। सास ने एक एक रुपया दबा दबा के रखा और बहन नारियल के पानी पी रही। लट खाए बोलड़ो, माल खाए मदारी। बिकॉज दे हैव नो एनी मर्सी। दे हैव नो मर्सी, चरी तुई मर्सी। लो मैं कहां से कहां पहुंच गया, हम पहुंचे थे गोपियों तक, गोपियों की बात करते करते मदारियों पे आ गए, क्या करें? इसलिए मैं कहता हूं कम से कम थोड़ा अपने ऊपर खर्च कर दिया करो। श्री राधे, श्री कृष्ण जो है वो कौन है? परमेश्वर है। और जो गोपियों ने सही किया फैसला, हम सबों को भी यही फैसला करना है। इसलिए मैं कहता हूं निभाओ सबके साथ, लेकिन भाव एक को, श्री कृष्ण को। सबके साथ निभाओ, भागना नहीं है, क्योंकि कृष्ण को भागने वाले पसंद नहीं है। आपको युद्ध लड़ना, अगर भागने वाला पसंद होता तो अर्जुन को कहते भाग जा, लेकिन अर्जुन को कहा नहीं, लड़ लड़, उत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो और युद्ध कर। इसलिए निभाना सबके साथ है, लेकिन भाना कृष्ण को। क्यों? कि ये सारे रिश्ते एक लिमिटेड पीरियड के हैं। कोई किसी का पिता, कोई किसी की माता, कोई किसी का पति, कोई किसी की पत्नी, कोई किसी के बच्चे, कोई किसी का ससुर सास, नाना नानी, दादा दादी, एक लिमिटेड पीरियड के लिए हैं, और बाद में उनको उनका मालिक। और एक देखो बात, कोई भी भाड़े की चीज खुशी से वापस मालिक को दे दोगे तो रिश्ता बना रहेगा और आइंदा भी कुछ मिलने के जी चांस है, और नहीं दोगे तो जबरदस्ती तो ले ही लेगा।
इसलिए मन में सोचना ये जो भी मेरे पास है, समझ, जो भी मेरे पास है वो सबका सब कृष्ण का दिया हुआ है और उसे हक है कि वो जब चाहे ले सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीजों पे ऐसे एक स्टार होता है, स्टार बना होता है और उस पर लिखा होता है राइट्स आर रिजर्व। अर्थात हिंदी में क्या बोलते हैं, सुरक्षित है क्या, अधिकार सुरक्षित है, उसका अधिकार सुरक्षित है क्या, वो जब चाहे जहां चाहे हमारा ले सकता है और हमें ले सकता है। अर्थात हमारे पे और हम पे अधिकार तो कृष्ण का है और जो उसके अधिकार को मान लेते हैं वो खुशी खुशी लौट जाते हैं, नहीं तो जबरदस्ती तो वो नहीं लेगा। और देखो वो टेलर दिखाता भी है, वो टेलर देख भाई मैंने तेरा बचपन ले लिया, क्या क्या तूने, मैंने तेरी जवानी भी ले ली, क्या क्या पकड़ा दिया ना तेरे हाथ में डंडा, नहीं पकड़ाया बोल, और ये डंडा ही क्यों आता है हाथ में बुढ़ापे में, इस पर भी मैंने थोड़ा गहराई से सोचा तो मेरे बच्चों की एक चीज याद आ गई, उसका नाम है लॉलीपॉप। आपने देखा है कभी, शायद आपने कभी बचपन में, और यूरोप में तो फैशन है लॉलीपॉप खाने का, फॉरेन में तो आज भी लोग लॉलीपॉप खाते हैं। लॉलीपॉप क्या होता है कि एक मीठी स्वीट टॉफी होती है और उसके नीचे क्या होता है, एक छोटी सी एक स्टिक, छोटा सा क्या बोलेंगे उसको हम, हाँ लॉलीपॉप में होता है, और उसे पकड़ के सब चूसते हैं, चूसते हैं, चूस चूस के सारा जब मज़ा निकल जाता है तो अंत में क्या रह जाता है, लकड़ी हाथ में रहती है। बस ये संसार भी लॉलीपॉप है, बचपन से जवानी तक चूसो, बुढ़ापे तक चूसो और चूस चूस के जब मज़ा निकल गया तो हाथ में क्या आ गई, लकड़ी हाथ में आ गई। जिनके भी हाथ में लकड़ी है मैं समझता हूँ इनका लॉलीपॉप अब ये कोई बैठा तो नहीं लकड़ी वाला, नहीं बैठा होगा तो आपने देखा होगा लॉलीपॉप की लाठी हाथ में आई, बाकी सब निकल गया। और याद रखना एक चीज बताओ, लॉलीपॉप में दो चीजें होती है, एक टॉफी और एक स्टिक। जो टॉफी है वो पिघलने वाली है और रहने वाली है, वो स्टिक कभी नहीं पिघलती है ना, तो समझना संसार के सारे सुख पिघलने वाले हैं क्योंकि टॉफी में ही मजा है, वो तो फीकी है बिल्कुल। कभी आपने वो स्टिक को चूसा है, चबाया है, नहीं ले लेना 2 रुपए का और चुबाना, पता चल जाएगा मजा सारा उसमें ही है, किसमें, लॉलीपॉप में। और जिसमें मजा है वो तो पिघल जाता है, रह जाती है क्या हाथ में स्टिक। ऐसे ही जिनके आज दुनिया के सारे मजे पिघल गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, हाथ में क्या आ गई है, स्टिक आ गई है। और ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे और आपके हाथ में भी आ गई, ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और याद रखना हाथ में डंडा आने से बुढ़ापा नहीं भागेगा, कुत्ते जरूर भागते हैं, वो कुत्ते हुश कुत्ती ऐसे मैंने कई देखा है, बुढ़े लोग वो लकड़ी से भागते लेकिन बुढ़ापा फिर भी नहीं भागेगा। इसलिए अपने मालिक का रियलाइज करो, मालिक कौन है, पति कौन है, पति मीन्स मालिक, मालिक मीन्स पति, ये संस्कृत का शब्द है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगत पते रघुपते राघव राजा राम पति तो पावन सीताराम। तो यहां पति मतलब अपने वास्तविक मालिक, मतलब ऑनर,
प्रोप्राइटर, कृष्ण हम सबों का कौन है? ऑनर है। कृष्ण इस ब्रह्मांड का कौन है? प्रोप्राइटर है। इसीलिए कृष्ण ने कह दिया, ईश उपनिषद में साफ है, ईशिया वास्या, ये सब कुछ है, अस्थावर और जंगम, इनका मालिक कौन है? कृष्ण है। और उसकी मेहरबानी है कि आपको सब दिया है। इसलिए उसकी इस वो है मालिक, समझना है, दो शब्दों में अब सत्संग को विराम दे देता हूं। वो है मालिक और हम है मिल्कियत। क्या बोला? वो है मालिक और हम है मिल्कियत। और याद रखना, मिल्कियत सुरक्षित मात्र मालिक के पास रहती है। मिल्कियत सुरक्षित हमेशा मालिक के पास रहती है। और हम सुरक्षित कब है? जब हम श्री कृष्ण के श्री चरणों में जाएं। और उसके लिए यही रोज सत्संग, हरि कथा और कीर्तन है। रोज भजन इसलिए करते हैं, रोज कीर्तन इसलिए करते हैं, रोज सत्संग इसलिए करते हैं, रोज दर्शन इसलिए करते हैं कि हम सुरक्षित वापस पहुंच जाए। और दूसरा, सुरक्षित रहने का एक उपाय बता दूं, ये जो संसार है ना, उसमें रहो। मैं नहीं कहता हूं कि मत रहो, संसार में रहो, लेकिन थोड़े डिस्टेंस से। वो ट्रक के पीछे नहीं लगा अंतर ठेबा, कीप डिस्टेंस है, कीप सेफ डिस्टेंस। ये पढ़ा नहीं है आपने? क्या पढ़ा? अंतर सुरक्षित ठेवा, पढ़ा तो है मराठी में, कीप कीप सेफ। अगर आपको सेफ रहना है तो थोड़ा, बस जो गाड़ियों के पीछे लिखा है वो अपने दिल में भी लिख दो कि संसार के पीछे जाना है, लेकिन थोड़े चिटक गए तो लटक गए। डिस्टेंस से रहो। और क्या करो? जिस हाल में, जिस वेश में, जिस देश में रहो, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा। अगर आप कृष्ण नाम जपोगे तो हमेशा सुरक्षित रखोगे। आपकी सुरक्षा इसी में कि कृष्ण नाम जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आपकी सुरक्षा है। बहनों माता मित्रों, मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कुछ नहीं करता है। आजकल तो लॉक, और वो आजकल तो वो लॉक आए कौन से, बायोमेट्रिक लॉक। जब तक हाथ का अंगूठा नहीं लगाओगे लॉक नहीं खुलेगा। बहुत और भी सिक्योरिटी सिस्टम आ गए, सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं। इतनी सुरक्षा के बीच भी यम को कोई नहीं रोक पाता। आज ही मैं न्यूज में पढ़ रहा था, एक नई बीमारी आई है, उसका नाम है पता नहीं क्या, एक नया है, जेवा ऐसे कोई नया कीटाणु आया। कौन? जीमा जी, जीवाक, ये एक नया बीमारी मुसीबत आई है। अभी थोड़े महीनों पहले इबोला आया था, अब ये नई मुसीबत आई है, दुखालयम। साइंटिस्ट खोदते खोदते खुद मर जाएंगे, लेकिन खोज पूरी है। आप जैसे सूरवीर है तो पहुंचेगी भी कैसे?
भारत के अंदर कितने जीवा बैठे हुए हैं पता, तो आएंगे कहां से? श्री राधे। इसलिए हमारा सुरक्षा इसी में है कि हम भजन करें हरे कृष्ण। क्यों? कि हमें भी लौटना है और जो कुछ हमारे पास है उसको भी जी लौटाना है। लौटना भी है और लौटाना भी। संसार क्या करता है? हम कहते लौटना है, संसार कहता लूटना है। हम कहते लौटाना है, वो कहता नहीं लौटाना है। लूटना है तो लूटो, लुटेरे बन जाओ। लूटना है तो लूटो, लुटेरे बन जाओ। राम नाम की लूट लगी है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब। लुटेरे बनो, लूटो खूब, लेकिन हरि नाम लूटो। हरे कृष्ण। हरि नाम लूटो, लूट सके तो लूट। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम 16 माला तो कर ही लो, कम से कम इतना तो करो। हम कृष्ण को कहते हैं इतना तो करना है? हम कृष्ण को कहते हैं इतना तो करना, तो कृष्ण भी कहते हैं इतना तो करना। कितना करना? कम से कम 16 माला तो कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। चलो एक शेर आ गया, सोलह माला कर और फिर सुख से मर। हाँ, बड़ी समझने की बात है। सोलह माला कर और सुख से मर। सोलह माला नहीं करोगे तो सुख से कभी नहीं मरोगे। इसलिए मैंने जो आज कहा पूरे सत्संग का एक ही साथ, बच्चे साइकिल लेते हैं भाड़े पे और इससे एंजॉय भी करते हैं, लेकिन समय पे ध्यान देते हैं। समय पे ध्यान दीजिए ताकि आप समय पे उसको, मालिक को मत भूलना। घूमो कहीं भी साइकिल लेके, लेकिन जिसको लौटानी है उसको मत भूलना। ऐसे ये 5 फुट 3 इंच 5 फुट 6 इंच ये जितने भी हैं 5'8" 5'9" 6'2" ये सबको एक दिन समय पे है लौटाना है, लौटाना है। अच्छा एक दूसरी बात भी समझा दूं, अगर उस बीच आप कभी हांगकांग हांगकांग या दुबई नहीं गए, अगर गए होंगे तो पता होगा वहाँ पर जेस्की होता है, होता है ना वो, क्या होता है जिसके पीछे से पानी जाता है सुर ऊपर तक, उस वाटर स्कूटर होता है वो भाड़े पे मिलता है। तो देने से पहले उसका जो मालिक होता है ना वो आपको बताता, देखो इस पे कहीं डेंट पेंट कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल सही सलामत दे रहे हैं, और जैसा दिया है वैसे ही लौटाना। और उस बीच अगर कहीं लग जाता है कुछ भी तो उसकी पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो हमको श्याम सुंदर ने जैसे दिया था निर्मल काया है, क्या बोला, ऐसे ही लौटानी है। बीच में पाप के दाब धब्बे डेंट पेंट किए तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। मालिक बोलेगा मैंने तुमको कैसा दिया था, मैंने तुम्हें वाइट दिया था और बिल्कुल ब्लैक करके कैसे लाए हो, मैंने तुम्हें स्पॉट
स्पॉट लेस दिया था, और यहां तो स्पॉट भी है, स्पॉट फिक्सिंग भी है, ये कहां से सब आ गया? अब यू हैव टू पे. इफ यू डोंट वॉन्ट टू पे तो हरि नाम ले. इंग्लिश हिंदी का मिक्सर थोड़ा कर दिया है. क्या बोला? इफ यू डोंट वॉन्ट टू पे देन हरि नाम ले. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. बस यही छोटा सा मंत्र है जो आपके जीवन को कई मुसीबतों से बचा दे, यहां तक कि यम की मार से, और यम से भी. कहते हैं भागवत स्पष्ट कर देता है कि जिनकी जबान पे श्री कृष्ण नाम है नरक तो छोड़ो, उनको नरक की दिशा भी नहीं ले जा सकता है, कोई दिशा में भी नहीं ले. आपको पढ़ना है भागवत पढ़ लो. स्पष्ट लिख दिया भागवत परम सत्य है, और मैं उसी परम सत्य की वाणी को रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं. नरक तो दूर की बात है, नरक की दिशा में भी उसको नहीं ले जा सकते हैं जिनकी जबान पे श्री कृष्ण का पवित्र मंगलमयी और कल्याणकारी नाम है. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. चैंट भी है भी. आप तो धन्य हो जाएगा, आपका जीवन तो धन्य हो जाएगा, वो मां भी धन्य हो जाएगी जिसके गर्भ से आपने जन्म लिया होगा. कल फिर मिलेंगे, कोशिश करो कृपया 9:45 तक आ जाने की. बहुत सारे लोग लेट आते हैं, अब इससे ज्यादा क्या लेट हो गए? 60 बरस की, 50 बरस की, 30 बरस की, 20 बरस की उम्र हो गई, अब क्या लेट होंगे? इतने लेट तो आप हो ही गए हो, इतने लेट आए, अब भी लेट आने की सोच रहे हो? उम्र में लेट भले ही आए लेकिन सत्संग में आप प्लीज जल्दी आ जाओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निधाय गो. जय 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 जय.